ये बहुत ही ज़बरदस्त अवार्ड मुझे वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे पर मिला है। देखिए ह्यूमन से बड़ा ह्यूमैनिटी से बड़ा कोई जेस्चर नहीं होता है। मुझे ऐसा लगता है कि हमें सबसे पहले हम इंसान हैं, ना हिंदू बनेगा ना तो मुसलमान बनेगा, इंसान की औलाद है तो इंसान बनेगा। ये मैसेज हमें सब तरफ फैलाना चाहिए। आज देश और दुनिया में और ख़ासकर सोशल मीडिया के ज़माने में ये बहुत ज़रूरी है कि हम सबको खुशियाँ बांटें। किसी को खुल के हंसाना बड़ी इससे बड़ी इबादत नहीं, किसी के दिल को दुखाना इससे बुरी आदत नहीं। तो कोरोना काल में, भविष्य काल में, वर्तमान काल में, जो भूत काल में हुआ उसको रिपीट नहीं करना है हमें, और हमें एक दूसरे को संभालना है, एक दूसरे की ताकत बननी है। ह्यूमैनिटी का और इम्यूनिटी का ज़माना है ताकि हम हर संकट से परे हो जाए। मैंने बहुत की सूर्य की रोशनी में नहीं तो मैंने सोचा सूरज की रोशनी कहाँ पड़ रही है। ग्रेट क्रांतिकारी मंगल पांडे जी के नाम पर मुझे अगर ये अवार्ड मिलता है तो मैं समझता हूँ कि आई एम द वेरी लकीस्ट पर्सन ऑन द अर्थ। मैं समझता हूँ कि इनके बारे में क्या कहें, हम लोग इनके चरणों की धूल भी बन जाए तो बहुत बड़ी बात है। हाँ जी, एक्चुअली मैं अभी फर्स्ट टाइम आया ये फाउंडेशन में, और रात को मुकेश जी का फ़ोन आया और अभी राकेश जी से मुलाकात हुई है, और मुझे इसके बारे में ज़्यादा मैं नहीं जानता हूँ बिकॉज़ फर्स्ट टाइम मैंने ये प्रोग्राम अटेंड किया हुआ है। और ये लोग बहुत अच्छे लगा मुझे, ये फंक्शन देख के बहुत अच्छा लगा, और अगर जनता का सेवा ये लोग करते हैं और बिगर कोई इसके इच्छा के तो बहुत अच्छी बात है, और हम लोग का सपोर्ट है उनके साथ, और बस इसी तरह प्रोग्राम करते रहे और लोगों का सेवा करते रहे। मैं अभी कोई मूवी रिलीज़ नहीं कर रहा हूँ, मैंने जितना कर लिया मैंने बहुत सारा 23 पिक्चर बनाई है, फोटोग्राफी डायरेक्शन वो मेरा नहीं है, वो मैं भोजपुरी पिक्चर नहीं करता हूँ, मैं हिंदी पिक्चर ही करता हूँ। अभी बहुत सारे पिक्चर किए मैंने, सब सुपरहिट पिक्चर है, और पहले मैं कैमरामैन था उसे 25 पिक्चर किया, अभी फोटोग्राफी एंड डायरेक्शन में 23 पिक्चर किया, साजन बलमा दिल का क्या कसूर रहा आरजू वगैरह, बाकी बस अभी। देखिए बहुत 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 शुक्रिया मुकेश पांडे जी का, राकेश पांडे जी का, कि मुझे यहाँ पे बुला के इज्जत दिया, और बिकॉज मैं ऐसे प्रोग्राम का भी मैंने अटेंड नहीं किया, लेकिन आज फर्स्ट टाइम मैं अटेंड कर रहा हूँ और फर्स्ट टाइम इनको मिल रहा हूँ मैं, लेकिन बहुत अच्छे लगे, बहुत अच्छे लगे, तो इनके साथ अभी हमेशा हम लोग मिलते रहेंगे बस, और भगवान करे इनका प्रोग्राम ऐसे चलते रहे। मैं पिछले 3 सालों से यहीं कंट्री क्लब में आ रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि इनके कार राकेश पांडे जी है, उनके भाई मुकेश पांडे जी है, लालजी यादव जी है जो कोऑर्डिनेटर है प्रोग्रेसिव फाउंडेशन के, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम ये करते हैं ह्यूमन राइट्स के लिए। और मैं लालजी यादव से भी रिपोर्ट ले मिलती है हमें कि भाई के प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जो है अच्छा कार्य कर रहा है, लोगों की मदद कार्य कर रहा है, तो सुनकर हमें भी बड़ा गर्व होता है कि इस तरह का फाउंडेशन जो मानवता के लिए कार्य कर रही है, तो एक बहुत अच्छा सराहनीय कार्य है। और इस कार्य का जो इधर हर दिसंबर की 10 तारीख को जो कार्य प्रोग्राम होता है और उसके मार्फत भी हमें पता चलता है कि प्रोग्रेसिव फाउंडेशन जो है कितना अच्छा जन कल्याण के लिए कार्य कर रहा है, और इसमें जुड़े मैंने देखा है कि हर तरह के लोग जुड़े हैं इसमें, फिल्म से जुड़े हुए हैं, एडवोकेट लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, ऐसे बहुत से लोगों को जोड़कर बनाया हुआ एक संगठन है जो आज इस भारत देश में काम कर रहा है, और कोविड के इसमें भी उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, तो मेरी तो उनके लिए एक बहुत बधाई के पात्र है राकेश जी, लालजी यादव जी, कि ऐसे ही कार्य करते रहे और गरीबों का जो कमी रहती है वो उनके लिए एक सदा कार्य करते रहे, और इनका नाम हिंदुस्तान ने बाहर गांव में भी जाके बहुत अच्छा रोशन करें। मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और ये मेरे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि मुझे इतना बड़ा सम्मानित किया गया, और इससे अच्छी बात तो हो ही नहीं सकता कि ह्यूमन राइट्स डे के दिन
ये इतना अच्छा ओकेजन हो रहा है एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट कि मुझे इधर इन्वाइट किया गया। जी मेरा नाम पूजा मॉन्डल है, मैं एक मॉडल और एक एक्टर हूँ। मैंने साउथ मूवीज़ किया एज अ लीड और म्यूज़िक एल्बम, और अभी मैं विकी राणा जी के साथ एक हिंदी प्रोजेक्ट में काम करने वाली हूँ एज अ लीड। सोसाइटी है जो हम लोग स्मृति चिन्ह देते हैं, मतलब ह्यूमन राइट्स डे के वक्त, मतलब मंगल पांडे जी का, और ये जो इसको अवार्ड के नाम दे दीजिए या स्मृति चिन्ह दे दीजिए, ये इसलिए दिया जाता है कि जो भी हमारे से जुड़ते हैं इस संस्था से, इस फाउंडेशन से, तो उनके मान सम्मान में ये होता है। और रही बात कोरोना काल की, तो मार्च के बाद में तो हमें लगा कि हम पता नहीं कौन सी दुनिया में आ गए हैं। मैंने मेरी उम्र के हिसाब से, जो मेरी उम्र है, अमूमन लोगों को तो पता होगा नहीं है, तो मैं फिर भी बोल देता हूँ, 64 साल की उम्र में से मेरे 10 साल निकाल दीजिए, 54 साल की ज़िंदगी में मैंने ऐसे दिन कभी नहीं देखे कि ईश्वर तक नाराज़ हो गए हमसे, ऊपर वाले तक नाराज़ हो गए हमसे, अपने तो थे ही। तो आप ये समझ लीजिए कि मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारे, दरगाहें, हर धार्मिक स्थल बंद होने के बावजूद इंसानों से ये कहा गया कि भाई कैसे बच सकते हो अपने आप से, तो सैनिटाइज़र आ गया, मास्क आ गया, छोटी मोटी दवाइयाँ आ गई। मैंने भी अपनी तरफ से लोगों को काफ़ी ज्ञान बांटने की तो बात नहीं कहूँगा कि हिदायत दी, कुछ सुझाव भेजे कि भाई अगर आप अपने ब्रीदिंग सही रखोगे, चेस्ट में अगर ब्रीदिंग सही है, जैसे अगर इसका उच्चारण करते हो, या ओम कह रहे हैं, अच्छी बात है नहीं है, कहीं बैठे हो तो मतलब एक ज्ञान की तरह से, अगर ध्यान की तरह से आप करते हो, मेरा ये मानना है कि आपके आसपास में कोरोना नहीं आ सकता। और बाकी बात तो सही है कि भाई मास्क पहनो, सैनिटाइजर से हाथ पाक धो, साबुन वगैरह से हाथ धोते रहो। तो कहने का मतलब यही है कि ऐसे माहौल में भी हम लोगों ने कोशिश की कि भाई जो ये 10 तारीख जो है, 10 दिसंबर जो ह्यूमन राइट्स डे का, जो फाउंडेशन का, तो ये हम लोगों ने मतलब मनाया नहीं है कि सब लोग हमको भूल नहीं जाए, तो सभी लोगों को एकत्रित किया, खास करके मीडिया वालों को हमने किया कि ऐसे मौके पे इन लोग आते रहते हैं, हम लोगों को आप लोग कवर करते हो, हम आप लोगों का भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं कि ऐसे वक्त में आप लोग आके हमारी बातों को, हमारे ख्यालों को पब्लिक तक पहुँचाते हो। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करेंगे सब मिल के रहें, स्वस्थ रहें और एक दूसरे का ध्यान रखें, बस यही कहना चाहूँगा। का जो फाउंडेशन है, कई वर्ष हम इसमें आए, पिछले साल भी आए हैं। कोरोना बीमारी से लोग मरते हैं, लेकिन उसको उतना ही सीरियस लेना चाहिए। मरीज के साथ स्वामी जी ने जैसा आज खास तौर पे बहुत ही अच्छी बात उन्होंने की, दिल छू लेने वाली बात की, कि मरीज के साथ जो व्यवहार अंदर होता है, उसको जो खाना नहीं मिल पाता, चीज़ें नहीं मिल पाती, और दूसरे कोई कॉम्प्लिकेशन होते हैं उससे, इसके अंदर डेथ हो जा रही है, तो हमको उनके साथ विनम्रता से बात करनी चाहिए, उनका देखभाल सही करना चाहिए। इस तरह का बहुत बड़ा निराकरण हुआ और इसके अंदर सब वक्ताओं ने जो बात बोली, हम एक रिजल्ट लेके यहाँ से जरूर जा रहे हैं कि 100% हम कोरोना से, जितने लोग इस वक्त जो है कोरोना के डर में है या भय में है, हम उनको संदेश दे रहे हैं कि इस चीज़ को उतना ही समझो, इसके साथ जो नियम है भले पालन करो, लेकिन डरो मत, फाइट अगेंस्ट दिस कोविड 19।